अलेहा क्षेत्र में अवैध पैथोलॉजी और झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है। कुकुरमुत्ते जैसे फैले पैथोलॉजी संचालकों द्वारा सभी तरह की जांच करने के नाम पर उल्टी सीधी रिपोर्ट देकर मरीजों से मनमानी पैसे ऐंठे जाते हैं। फर्जी पैथोलॉजी संचालकों और झोला छाप डॉक्टरों की मिली भगत से जांच के नाम पर कीमत वसूल कर तयशुदा लगभग 50% कमीशन झोला छापों को दे दिया जाता है। उल्टी सीधी जांच करवाने के बाद झोला छाप डॉक्टर मरीज को डराते हैं कि तुमको गंभीर बीमारी है, बॉटल लगानी पड़ेगी। बेचारा लाचार मरीज और उसके परिजन इनकी सलाह को मानकर लाल पीले इंजेक्शन से कलरयुक्त बॉटल लगवाने में ही अपनी भलाई समझते हैं। गरीब और भोली भाली जनता इनके झांसे में आकर अपनी गाढ़ी कमाई इन्हें हफ्तों तक समर्पित करने के बाद फिर अन्यत्र इलाज के लिए भटकती है। आपको बता दें कि गलत इलाज से हुई मौतों के बाद भी प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही हैं। सलेहा क्षेत्र में सगरा में बंगाली डॉक्टर के इंजेक्शन से एक अधेड़ की मौत हुई थी। अभी कुछ दिनों पहले सलेहा के बंगाली बाबू ने एक महिला की जान ले ली। फर्जी डॉक्टरों के गलत इलाज से होने वाली मौतों के बावजूद भी फर्जी डॉक्टरों की क्लिनिकों का विधिवत संचालित होना स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सलेहा में पदस्थ फार्मेस्ट चिकित्सा व्यवसाय के साथ पैथोलॉजी संचालित कर रहा है। शासन द्वारा सरकारी अस्पताल के बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में पदस्थ कर्मचारी शासन की मंशा पर पतीला लगाने को आमदा है। बैठ मतलब दे दीजिए या फिर बता दीजिए। वो जो तुम्हारे बर्मन थे, राम प्रताप बर्मन, उनको ने दिए। तुम मतलब किस आधार पे आप बैठ नहीं दे रहे पत्रकारों को? पत्रकारों को बैठ देने कौन हम नेता हैं? कोई जानकारी चाहिए आपके यहाँ की? जो आप यहाँ ये सरकारी भवन में प्राइवेट पैथोलॉजी चला रहे हैं, किस आधार पर चला रहे हैं? किस आधार पर? हाँ, आवास है ये सरकारी आपका, आप सरकारी आवास में पैथोलॉजी भी चला रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, प्लस यहाँ दवाइयाँ भी रखे हुए हैं, दवाइयाँ भी देते हैं पेशेंटों को। दवाइयाँ तो मान लो हमारा जो भेजवा है तो वही दे दी। तो क्या फ्री में दे देते हैं हम लोगों को? जब हमार दे दिए तो 15 दिए। अस्पताल अलग तो वही है सब भाई। जब अस्पताल ये निवास है कि अस्पताल है आपका? ये तो निवास है, तो नहीं निवास में सब करते हैं कि हम ही बस करते हैं? तो बताइए कौन कौन करता है? सब करते हैं, आपको तो सब मालूम है। पैसे लिए जाते यहाँ डॉक्टर साहब आप लोगों से पैसा लेते हैं? अब इंजेक्शन तो ले, दवाई करवाई लेते हैं। दवा कौन कौन सी दवाई यहाँ की जाती है? ये बुखार की जाती है जी। अच्छा, आज अस्पताल बंद है अभी? आज अस्पताल बंद है।